अगर आप दूध दही पनीर के शौकीन है तो 100% मान के चलना कि आज नहीं तो कल आपको एक बड़ी पेट की कोई ना कोई बीमारी को आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। पहले आप इरिटेशन पैदा करते हो, इरिटेशन से इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन से अल्सरेशन पैदा होता है, और अल्सर को भी अगर आप कंटिन्यू रखते चले गए और आपने कारण नहीं निकाला तो इट विल टर्न इंटू इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब क्या है? अब वो TB, कैंसर, कोई भी बड़े रोग में जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इन वीडियो के माध्यम से एक अलग अलग रोगों का कैसे हम सहज प्राकृतिक उपचार करके हम इन बीमारियों से बाहर निकल सकें, मैं वो सीरीज जो है शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग भी, आपकी कई अगर बीमारियां हैं और आपको लगता है कि कई सालों से जा नहीं पा रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें कि जिससे हम उन बीमारियों को लेकर आपको गाइड कर सकें। हालांकि मैं हर महीने दो महीने में एक फ्री कंसल्टेशन लेकर आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप अपनी बीमारियों की मेरे साथ डायरेक्ट चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस समय आप मौजूद हो ना हो। तो इसीलिए आज मैं इसी प्रकार के एक एक बीमारियों को लेकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आप लोगों को उसका लाभ मिल सकें और आप एक सही रास्ता पकड़कर आप क्योर की तरफ जा सकें। देखिए, बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आपके दिमाग में ये बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमारा शरीर अगर गलत कारणों से बीमार डेफिनेटली पड़ता है ना, तो सही कारणों से स्वस्थ भी डेफिनेटली होता है। लेकिन स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य के कारण चाहिए, जो अगर आप नहीं दोगे और आप सोचते हो कि मैं खाली पुरानी आदतों को मेंटेन करते हुए और दवा खा रहा हूं, तो फिर आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देकर आप उस बीमारी को जड़ और उसको कठिन बना रहे हो। आप यूँ समझ लीजिए। आप तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस IBS। और देखिए, अब इसमें कोलाइटिस भी आ गई, IBS भी आ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ गया, ये बड़ी प्रॉब्लम सम बीमारी है दोस्तों। ये क्यों होती है? आपको सिंपल सा कॉमन सेंस क्या समझना मालूम है कि हमारी आंतें भगवान ने बहुत बढ़िया काम करने के लिए डिज़ाइन की है, लेकिन अगर इसको टॉर्चर किया जाए, मैं इसको टॉर्चर वर्ड करूँगा, तो फिर ये रेसिस्ट करते 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 एक दिन ये जो है टूट जाएगी, और टूटकर फिर ये सारी जो IBS अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी आंतों की जो बीमारियां हैं वो आपके सामने ले आएगी। दोस्तों हमारे शरीर में भगवान ने हमारी आंतें कैसे बनाई मालूम है? कि वो हमारा एक प्रकार से गटर है, यानी कि वहाँ गंदगी जाके इकट्ठी होती है, और उसको बनाया ऐसा है कि गंदगी भी उसको परेशान न कर पाएं। तो आप ज़रा सोचिए, एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड देकर जिस आंतों को ईश्वर ने बनाया, आप उसके अंदर अल्सर पैदा कर देते हो, आप उसके अंदर सूजन पैदा कर देते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपने कितनी भयंकर गलतियां करके कितना अत्याचार किया है, तब जाकर IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां पैदा होती है। और इसका मूल कारण कहाँ पर है? इसके पीछे सबसे पहले इसके पीछे काम करता है हमारा माइंड। दोस्तों अगर आपका माइंड जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, इरिटेबल टाइप का है, और आपके पास बहुत सारे आइडियोलॉजिकल स्केल्स हैं जिसके कारण आप चिढ़ते हो, आप कुड़ते हो, आप परेशान होते हो, तो आप समझ लेना कि आपको इस तरह की बीमारियां होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप धार्मिक टाइप के व्यक्ति हैं और दूसरे लोग थोड़े ढंग के धार्मिक नहीं है, तो आपका दिमाग ख़राब होता है। आप सफाई पसंद है, दूसरे लोग सफाई पसंद नहीं है, तो आपका दिमाग ख़राब होता है। आप सत्यवादी है, दूसरे लोग सत्यवादी नहीं है, तो आपका दिमाग ख़राब होता है। आप परफेक्शनिस्ट है, दूसरे लोग परफेक्शनिस्ट नहीं, तो आपका दिमाग ख़राब होता है। तो और यानी तो वैसे भी जीवन के और भी जो तनाव होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, नौकरी में होते हैं, तो दोस्तों इन तनाव के कारण और फियर के कारण
आपका जो आपकी जो आते हैं ना वो धीरे धीरे जो है उसके प्रभाव में आकर खराब होने लग जाती है। पहला कारण माइंड से है। सेकंड कारण जो ज़्यादातर मेजर कॉज जो मैं कह सकूँगा वो है आपका खान पान, जिसमें आप जो भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, देखिए डिस्ट्रॉयर कौन है मालूम है, हाई प्रोटीन डाइट। दोस्तों अगर आप दूध दही पनीर के शौकीन है तो 100% मान के चलना कि आज नहीं तो कल आपको एक बड़ी पेट की कोई ना कोई बीमारी को आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध जो है वो फाइबर लेस फूड है और वो दांत नहीं आने तक परमात्मा ने बनाया है, और अगर आप ले रहे हैं तो आपके पेट में जो है उसकी बहुत बड़ी गड़बड़ समय के साथ आपके सामने आएगी ही, क्योंकि वो एक हार्मोनल फूड है और बॉडी में जाकर वो इतना ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है उसका जो म्यूकस जो होता है कि वो आज नहीं तो कल आपको एक बड़ी बीमारी में ढकेल के रहता है। और दूसरा अगर आपको नॉनवेज खाने की आदत है, यानी कि एनिमल प्रोटीन्स हम जो भी खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता और वो आंतों से जल्दी निकलता भी नहीं है, क्योंकि हमारी आंतें लंबी होती है, जानवरों की आंतें छोटी होती है, 3 फीट की हमारी 33 फीट की होती है, तो वो आंतों में बहुत देर तक सड़कर वो प्रोटीन जो है ना वो आपकी आंतों को इरिटेट कर रहा होता है। दोस्तों अगर मान लो मैं किसी चीज़ को यहाँ पर एक पेन लेकर मैं ऐसे से इरिटेट करूँ तो आप जानते क्या होगा इरिटेशन से, कि वहाँ पर धीरे 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 वहाँ लाल होने लगेगा ना, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सूजन का आ जाना। तो अब वो धीरे धीरे आपकी इरिटेशन बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, और सूजन भी आ गई तो फिर भी आप इरिटेट करते रहते हो तो क्या होगा, फिर अल्सरेशन। यानी कि पहले आप इरिटेशन पैदा करते हो, इरिटेशन से इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन से अल्सरेशन पैदा होता है, और अल्सर को भी अगर आप कंटिन्यू रखते चले गए और आपने कारण नहीं निकाला तो इट विल टर्न इनटू इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब क्या है, अब वो टीबी कैंसर कोई भी बड़े रोग में जो है कन्वर्ट कर जाएगा। तो हु इज़ गिविंग द कॉज, यू आर गिविंग द कॉज। एक इरिटेशन पेट में आकर उसने आपको सूचना दे दी थी कि गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ, आपको डिसेंट्री किया, उसने डायरिया किया, आपको कब्ज पैदा कर दी, आप लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं और आप दवाई खा खा कर जो है ना उसको अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं इस तरह से। तो शरीर तो बहुत बार चीख चीख के बोल चुका होता है कि भैया आप गलत कर रहे हो, पर हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और तीसरा आपका फैट कंजप्शन। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आप जब तल देते हैं ना तो स्टार्च या प्रोटीन के आसपास ही फैट उसको कवर करती है। अब वो पेट में जाकर जब तक फैट का डाइजेशन नहीं होता तब तक प्रोटीन और स्टार्च जो है सड़ चुका होता है, क्योंकि जब फैट के साथ बॉडी में कोई भी प्रोटीन या स्टार्च जाता है तो पेट जो है उसको रिकॉग्निशन नहीं करता, क्योंकि अभी तो फैट ही सामने आ रही है। तो इस तरह से फैट को पचाने में बॉडी को टाइम लगता है, ब्रेकडाउन करने में टाइम लगता है, जब तक स्टार्च प्रोटीन बॉडी में सड़ जाते हैं। और तीसरा अगर आपको मैदा और बेकरी प्रोडक्ट खाने की बड़ी आदत है ना तो आपको इन सब बीमारियों को आज नहीं तो कल आपको इनको अपनाना पड़ेगा, इनके साथ जूझना पड़ेगा। तो आपको पहले तो ये कारण पता होना चाहिए कि हमारे माइंड का क्या रोल है, हमारे खान पान का क्या रोल है, और अगर साथ में अगर आपकी आदतें फल सलाद खाने की बिल्कुल नहीं है, यानी कि फाइबरस फूड खाने की आदत नहीं है, तो फिर आपको समझ लो कि आज नहीं तो कल ये बीमारी होने वाली है। एक और कारण है दोस्तों इस प्रकार की बीमारियों में, IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कि आपको भूख नहीं थी फिर भी आपने खाना खाया। एक तो क्योंकि उसके कारण खाना जाकर पेट में सड़ता है, और एक और कारण क्या है, गलत कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको मेरी वीडियो सुनने पड़ेंगे कि बॉडी एक समय में एक प्रकार के आहार को ही अच्छी तरह डाइजेस्ट करती है, और अगर आपने वेराइटीज ऑफ स्टार्चेस या प्रोटीन्स अगर एक साथ खा लिए, जैसे खाने के साथ आप फल खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, खाने के साथ दूध पी लेते हैं, रोटी दाल के साथ में आप दूध दही खा लेते हैं, आप नॉनवेज भी खा लेते हैं, ये बहुत पेट में गड़बड़ और पेट को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उसके कारण जो जहर बनता है ना वो जहर जो है आज नहीं तो कल आपके बॉडी में IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों को जन्म देगा। तो पहले तो आपको ये कारण समझने चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद अब इसको ठीक कैसे करें, तो अब ठीक करने का तरीका क्या मालूम है, देखिए आपको अगर ठीक करना है तो पहले आपके माइंड में ये दिमाग में रखना है कि मुझे इनको स्टेरॉयड खा खा कर या मुझे दवाइयाँ खा खा कर इसको कंट्रोल नहीं करना है, क्यों, वो आपको बहुत बड़े धोखे में रखेगी, बता रहा हूँ।
तो इसलिए सबसे पहले अगर आप दवाई खा रहे हैं तो दवाइयों से धीरे धीरे टेपर डाउन करते हुए, अगर आप स्टेरॉइड पे आ चुके हैं और अगर आप दवाइयों पे आ चुके हैं तो मैं कहूँगा कि आप 8-10 दिनों में टेपर डाउन करते हुए दवाइयों से फ्री होने की कोशिश करें। फिर आप कहोगे भाई साहब अब मुझे जब अगर मुझे ज़्यादा मोशन हो गए, ज़्यादा मुझे दर्द हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो अब मैं आपको तकलीफ पर नहीं डालूंगा, चिंता मत कीजिए। आपको क्या करना है कि आपने एक सप्ताह 8-10 दिन अब जो मैं खुराक बताने जा रहा हूँ यानी कि डाइट बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो डाइट अब अडॉप्ट कर ली तो फिर आपको ये समस्याएं नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सचमुच भूख हो तो ही आपको लेना है, और इस समय चूंकि अल्सर बन चुका होता है तो आपको फाइब्रस फूड को कम खाना है, ये ध्यान रखना है। क्यों मालूम है, क्योंकि अब अल्सर हो गया है तो इसीलिए अब आपको कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम नॉन इरिटेबल जो जितने भी जूसेस होते हैं वो आपको ज़्यादा लेने हैं। देखिए अगर आप नारियल पानी के ऊपर अगर आप उपवास टाइप कर सकें तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे पेट और आंतों को पूरा रेस्ट मिलता है और 8-10-15 दिनों में जो है बॉडी उसको रिकवर करके नॉर्मल भी कर सकती है। पर चूंकि उपवास किसी एक्सपर्ट के उसके गाइडेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, अगर वो ढंग से आप नहीं समझ पाओगे तो कुछ मतलब कुछ भी इसमें अबनॉर्मलिटी होती तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये तो किसी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में जाकर आप वहाँ पर रहें तो फिर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेफ साइड में ये है कि आप वेजिटेबल जूसेस जैसे हरी पत्तियों के रस होते हैं जिसमें जैसे पालक, पत्ता गोभी, घिया, खीरा, टमाटर, आंवला, ये सब मिक्स करके इनका कच्चा रस बना लें, और वो यूट्यूब पे मेरे ये वीडियो दिया हुआ है ये हरी पत्तियों का रस बनाने की। और तो ये हरी पत्तियों का रस बनाकर आप दिन में एक दो बार पी लें, आप गाजर का रस पी लें, आप घिया का रस पी लें, आप पेठे का रस पी लें, आप और जो मीठे होते हैं फल जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, एप्पल रस मीठा होता है, तो ऐसे जो मीठे जूस होते हैं जैसे वाटरमेलन जूस जो है वो मीठा होता है, ये सब इस प्रकार के जूसेस जो हैं आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि दिल में आप रसाहार ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि बॉडी में फाइबर नीचे नहीं जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसको टॉर्चर नहीं हो रहा है, उसको कोई आकर छेड़ ही नहीं रहा है अब इस तरह से। और अगर आपको कुछ खाना पड़े और आपको लगता है मुझे कुछ खाना ही है तो आप लोगों को क्या खाना चाहिए, उसके लिए आपको खाना चाहिए जो कम से कम फाइब्रस हो, उसमें फाइबर थोड़े कम हो और बीज और छिलके कम से कम हो, ये उसका नियम है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेब खाना चाहिए, आपको अनार को चूसना चाहिए, आपको मौसम्बी और संतरे के छिलके निकाल कर उसकी जो कलियां होती है जो अंदर की वो आपको खानी चाहिए, आपको तरबूज खाना चाहिए, आपको खरबूजा खाना चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें होती जो थोड़ी सी एक प्रकार से सॉफ्ट भी होती है, तो इस टाइप के जैसे शरीफा या सीताफल जो कहते हैं आप वो भी इसमें ले सकते हैं, तो आप चीकू भी ले सकते हैं जो सॉफ्ट होता है, आप पपीता भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा मोशन नहीं है तो आप पपीता भी ले सकते हैं, तो ऐसे और केला भी अगर लेना पड़े तो एक बात ध्यान में रखना चित्रीदार केला होना चाहिए। और ये तो हो गया फलों की रिजाइन, लेकिन अगर आपको सलाद और सब्जी खानी है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सलाद जो है जब तक IBS और जब तक आपका अल्सर ठीक नहीं होता तब तक आपको सलाद नहीं खाना चाहिए, आपको सलाद के केवल जूसेस ही पीने चाहिए। हाँ अगर आपके मोशन ज़्यादा नहीं है और तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है और सलाद खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप खाकर एक बार ट्राई कर लें, ठीक है, वरना नहीं तो इसको सलाद एक दो महीने तक आप अवॉइड ही करें कि जब तक वो हीलिंग ना हो जाए, और हीलिंग होने के बाद में उसके बाद आप सलाद जोड़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको क्या खाना है, सॉफ्ट चीज़ें जो होती है जैसे स्टीम सब्जियां, जितनी तरह की हरी सब्जियां जैसे गाजर की सब्जी, घिया की सब्जी, टिंडे की सब्जी, तुरई की सब्जी, ऐसे यानी तो जो पम्पकिन या सीताफल जो कहते हैं उसकी सब्जी, तो इस तरह के जो सॉफ्ट सब्जियां होती है जिसमें बीज ज़्यादा नहीं है, फाइबर ज़्यादा नहीं है, छिलके ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह की सब्जियों को आप चुनाव कर लें और वही सब्जियां जो है आपको मैक्सिमम बॉइल्ड रूप में खानी चाहिए। हाँ उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा घी मिलाना चाहें या ऑयल मिलाना चाहें छोंक मारने के लिए थोड़ी देर के लिए, वो आप उसमें डाल सकते हैं छोंक मार के
तड़के का स्वाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा सेंधा नमक और जीरा और हल्दी और धनिया, ये सब जो हम मसाले डालते हैं वो सब मसाले डाल सकते हैं। जो नहीं डालना वो क्या है, मिर्च और गरम मसाले। मिर्च और गरम मसाले आपको 2-3 महीने तक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और ये सिंपल से मसाले डालकर जो है आपको खाने को एंजॉय करना है। तो और कोशिश करें कि आप जब तक ठीक नहीं होते, आपको भूख से खाना है, और आपको ये मैक्सिमम जो मैंने वेजिटेबल जूसेस और फ्रूट जूसेस बताएं इनके ऊपर रहना है, और खाना अगर खाना ही पड़े तो फल और बॉयल्ड सब्जियां खानी है। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि भाई साहब मेरी भूख बहुत है, और देखिए भूख लगना बहुत अच्छी बात है, उससे रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, तो आपको ऐसा लगे कि मुझे तो इससे संतुष्टि नहीं होती, मेरा पेट नहीं भरता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप लंच या डिनर में आप जब बॉयल्ड सब्जियां खाते हैं ना, तो आप उसके अंदर जोड़ दें आलू, उबले हुए आलू, भुने हुए आलू, या शकरकंद जोड़ दें, और या नहीं अधिक से अधिक सिंघाड़ा जोड़ दें, या सिंघाड़े के आटे की रोटी जोड़ दें, और अगर रोटी भी खाने का मन कर जाए ना, तो आलू ज़्यादा आटा कम, ऐसे आलू की रोटी बना लें। इस तरह से आप जो है सामा चावल जो होते हैं, जो राइस होते हैं जिसको उपवास में खाया जाता है, तो वो चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, वो आप सॉफ्ट चीज़ें ले सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि मैं अब काफ़ी ठीक हो गया हूँ, मेरा पेट अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा मत समझना कि बीमारी ठीक हो गई है। बीमारी ठीक होने में 3 से 6 महीने लेती है, ध्यान रखना। ये IBS और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस ना, ये मामूली बीमारियाँ नहीं हैं। ये सिम्टम खत्म हो जाने से ऐसा मत समझ लेना कि बीमारियाँ ठीक हो गई, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मिनिमम 6 महीने साल तक आपको है ना हाई प्रोटीन, हाई फैट, बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, नमकीन और तीखी चीज़ें, इनसे आपको बचना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छा पक्का इलाज जो मैं कहता हूँ ना, क्योर जिसको कह सकते हैं, वो आपको तभी मिलता है। फिर उसके बाद आपको कभी कभार थोड़ा कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें भी जो मैं कह सकता हूँ, जंक फूड भी एंजॉय करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा और भूख लगने लग रही है और मुझे सॉलिड फूड खाना है, तो सॉलिड फूड में ध्यान रखना चावल से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा खाना, एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि चावल से रिलेटेड क्या है, इडली है, पोहा है, सिंपल प्लेन डोसे वगैरह होते हैं, उत्तप्पा होता है, तो ये जो जो भी चावल से रिलेटेड जो चीज़ें भारत में खाई जाती है, आप उनकी कई तरह की चीज़ें आप बना भी सकते हैं, चावल के ढोकले भी बन जाते हैं, और तो इस तरह की चीज़ें जो कि सिर्फ इसमें अवॉइड क्या करना मालूम है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही पेट में सड़ता है, ध्यान रखना। तो आपने अगर इन चीज़ों की केयर कर ली और अब चावल से रिलेटेड चीज़ें आपने खाई, तो और अगर अनाज में आगे और बढ़ना है तो ज्वार की रोटी तक जा सकते हैं आप। इसमें देखिए गेहूं की रोटी को है ना, आप कम से कम मिनिमम 3 महीने तक आप गेहूं को अवॉइड करने की कोशिश करें। गेहूं नहीं खाना, दाल नहीं खाना, इसके अंदर दूध दही पनीर तो खाना ही नहीं है, बेकरी वाला तो खाना ही नहीं है, नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, ये तो सब आप जान ही चुके हैं मेरे इस पूरी वीडियो से। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चलोगे ना, तो उसे धीरे धीरे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो रिकवर होने लगेगा। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो क्या लेना है, देखिए आप जो हैं थोड़े बहुत जो भी योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ये सब जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें, ध्यान के प्रयोग करें, क्योंकि माइंड का रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड इरिटेबल है तो फिर वापस बीमार करेगा, तो वो उसके लिए ध्यान और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ये समझते हुए कि मैं कब तक प्रतिक्रिया करूँगा, मैं क्यों शांति से दुनिया में जी नहीं सकता, तो इस तरह के प्रश्न अपने आप से करें। और साथ ही साथ में आप अगर पेट को अगर ठंडा कर सकते हैं, तो ऐसा कोई जैसे आप बाथरूम में जाते हैं तो रोज़ 2 मिनट तक ठंडा पानी जो है गुदा से लेकर पूरे पेट में ठंडा पानी जरूर डालें, और वैसा भी नहीं कर सकते तो पेट पे ठंडे पानी की पट्टियाँ 15-20 मिनट तक सुबह, दोपहर, शाम आप तीन बार रख सकें, तो पेट की जो गर्मी होती है जो वहाँ पर, वो उनको थोड़ी ठंडक उनको देने की कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ में आप अगर पाँव के तलवे की मालिश, पिंडलियों की मालिश अगर आप करा सकें, तो उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का भी अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप रेकी सीख लें, देखिए रेकी इतनी कमाल की चीज़ है जो जाके हर सेल को एक नई ऊर्जा देता है, नया प्राण देता है, नव जीवन देता है, तो आप रेकी सीखकर रोज़ अपने हाथों से टच करके अपने पूरे आंतों को और शरीर को, अपने चक्रों को उससे चार्ज कर सकते हैं, उससे वो और ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। इस तरह से तो ये थोड़े से साधन अगर आप अडॉप्ट करें, तो आप जो है
किसी प्रकार के भी IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलाइटिस, ये जितनी आंतों की बीमारियां हैं ना, आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों देखिए, विषय बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बहुत कुछ समझाना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो आप लोगों को फिर भी अगर कोई शक है, कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग डाल सकते हैं, तो मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको फिर मिलूँगा अगली वीडियो में एक नई बीमारी को लेकर।